अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके 10th क्लास के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आपने हर चैप्टर को कवर कर लिया है, फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करवा दें 10th क्लास के। तो उसी हवाले से ये वीडियो है। इस वीडियो में हमने आपके जितने भी 5 ईयर के फिजिक्स के पेपर थे उन सबको इकट्ठा किया, उनको बार बार स्टडी किया और फिर उनमें जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे उनको आपके ये चैप्टर वाइज प्रिपेयर कर लिया। अब यहां पर आपको अपने साथ एक पेन और एक रजिस्टर या कॉपी साथ लेके बैठना होगा और जो जो सवालात हम आपको चैप्टर वाइज बता रहे हैं उन्हें साथ के साथ लिखते जाएं और बाद में इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह आपके यही क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं आपके पहले चैप्टर जो 10th क्लास फिजिक्स में है, यानी कि चैप्टर नंबर 10 के साथ। और इसमें जो जो क्वेश्चन आपको बताते जा रहे हैं वो आप साथ के साथ लिखते जाएं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द वेव एंड वेव मोशन। पहले वेव को डिफाइन करना है, उसके बाद वेव मोशन को डिफाइन करना है। इसके बाद है व्हाट इज SHM, यानी कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है। इसके बाद विद इट्स मैथमेटिकल फॉर्म एंड फीचर्स। ये वैसे अलग अलग क्वेश्चन है, ये इकट्ठे भी आ सकते हैं। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को प्रिपेयर करना है, उसके बाद उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को और सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स को भी प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद है व्हाट इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन रीस्टोरिंग एंड डीफॉर्मिंग फोर्स। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन डायफ्रेक्शन एंड रिफ्रेक्शन ऑफ वेव्स। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ। इसके बाद है व्हाट इज रिपल टैंक। इसके बाद है डिफाइन द वेवलेंथ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑसिलेशंस एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों इतबार से ये बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुका है। इसके बाद है कंपेयर लॉन्गिट्यूडनल वेव विद ट्रांसवर्स वेव्स और टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इसके बाद है हु वर्क्स ऑन अ क्लॉक एंड अ सिंपल पेंडुलम, डिफाइन द सिंपल पेंडुलम एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, डिफाइन स्टेशनरी वेव्स। इसके बाद आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हैं 2, 3, 4, 8 और 9, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा आपके एक्सरसाइज में एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को आपने सबको प्रिपेयर नहीं करना, यूजुअली नहीं आते, लेकिन आपके जो पहले चैप्टर की जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनमें 1 और 4 क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं बार बार, इसलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन में से 1 और 4 को आपने प्रिपेयर करना है लाजमी तौर पर, ये आपके आ सकते हैं क्वेश्चन। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 की अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 11 का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर साउंड वेव्स, व्हाट इज स्टेथोस्कोप। ये जो है वो एक मेडिकल का, जिसे आला बोलते हैं, ये मेडिकल का एक आला है, एंड राइट इट्स फंक्शन। इसके बाद है व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड। इसके बाद है डिफाइन द पिच क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसके बाद है गिव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी साउंड लेवल, व्हाट इज एन इको, राइट स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स, यानी कि हवा में, वाटर में और वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ साउंड क्या है, इनको अलग अलग इनकी वैल्यूज़ याद कर लेनी है, MCQs के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और इनको अलग अलग एज ए शॉर्ट के तौर पे भी प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूजिकल साउंड्स एंड नॉइस, राइट सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन एंड इट्स अफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। इसके बाद 10th इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स क्या है, ये स्टडी ऑफ साउंड को बोलते हैं, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, आप लिख लें। इसके बाद है व्हाट इज रेवरबरेशन। इसके बाद है व्हाट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, व्हाट इज अल्ट्रासाउंड एंड राइट्स टू यूजेज इन डेली लाइफ, व्हाट इज सोनार। उसके बाद एक्सरसाइज की रिव्यू क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 11 के हैं वो 1.5 और 1.8, ये अपन लाजमी प्रिपेयर कर लेना है, और कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो 3, 7, 8 और 9। इसके बाद चैप्टर 12 अब आपने लिख लेना है और उसके क्वेश्चन अब आप लिखते जाएं। वो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड राइट इट्स टाइप, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर एंड राइट इट टाइप्स, डिफरेंशिएट बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस, डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिफाइन द पोल ऑफ अ मिरर, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड राइट इट्स लॉज,
व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिफाइन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लाजमी अपने प्रिपेयर करना है, और ऑप्टिकल फाइबर्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद डिफाइन द एंडोस्कोप विद इट्स यूज, डिफाइन द लेंस एंड राइट इट्स टाइप, डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंसेज। इसके बाद राइट यूजेज ऑफ लेंसेज, डिफरेंशिएट बिटवीन रिजॉल्विंग एंड मैग्नीफाइंग पावर। और इसके बाद डिफाइन प्रिज्म, प्रिज्म की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी चैप्टर नंबर 12 में, प्रिज्म की डेफिनेशन को आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना, उसकी फिगर भी बना देनी है। इसके बाद व्हाट इज टेलीस्कोप एंड राइट डाउन इट्स यूजेस। इसके बाद राइट यूजेज ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बाद व्हाट इज अकोमोडेशन, ये अकोमोडेशन की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी प्रिपेयर कर लें इसको। और इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन नियर एंड फार पॉइंट, ये नियर और फार पॉइंट को आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना, बहुत अहम है। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट्स ऑफ वीजन, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इन दोनों को लाजमी तौर पे प्रिपेयर कर लेना है, ये आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसके बाद चैप्टर 13 के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, तो चैप्टर 13 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, डिफाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, व्हाट इज कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ आपको डिफाइन भी व्हाट इज दोनों पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपने लाजमी तौर पे याद कर लेना है कूलम्स लॉ को, और मैथमेटिकल फॉर्म लाजमी लिखनी है फुल मार्क्स के लिए। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, डिफरेंशिएट बिटवीन फैराड एंड वोल्ट, फैराड और वोल्ट, फैराड कैपेसिटेंस का यूनिट है और वोल्ट वोल्टेज का यूनिट है, लाजमी याद रखना है। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, राइट मेथड्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कंपेयर वेरिएबल एंड फिक्स कैपेसिटर्स, राइट यूजेज ऑफ कैपेसिटर्स, राइट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट द हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, व्हाट इज अ डाई इलेक्ट्रिक, और चैप्टर नंबर 13 के कंसेप्चुअल 1, 3 और 4 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चैप्टर 14 की अगर बात करें, तो चैप्टर 14 के ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप लिखते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द करंट एंड व्हाट इज एम्पेयर, व्हाट इज कन्वेंशनल करंट, डिफरेंशिएट बिटवीन EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, व्हाट इज ओहम लॉ, ओहम लॉ बहुत अहम है, लाजमी प्रिपेयर कर लें, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है ओहम लॉ, ये इस बार भी आ सकता है। राइट ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस, व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड राइट यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओहम है रेजिस्टेंस का यूनिट, लाजमी याद रखना है। राइट मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, व्हाट इज जाउल्स लॉ, डिफरेंशिएट बिटवीन वाट एंड किलोवाट आवर। इसके बाद व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, डिफरेंशिएट बिटवीन एसी अल्टरनेट करंट एंड डीसी डायरेक्ट करंट। के बाद व्हाट इज फ्यूज, राइट सेफ्टी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज गैल्वानोमीटर, राइट सोर्सेज ऑफ EMF यानी कि राइट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके बाद राइट यूजेज ऑफ पैरेलल सर्किट, राइट यूजेज ऑफ अ फ्यूज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर ऑफ वॉशिंग मशीन एंड हीटर, इन दोनों की इलेक्ट्रिक पावर को लाजमी प्रिपेयर कर लें और ये आपने लिखनी है, बतानी है वॉट्स के अंदर। इसके बाद वायर रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिफरेंशिएट बिटवीन जाउल एंड किलो जाउल, हाउ करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर यानी कि एमीटर के जरिए कैसे करंट मेजर किया जाता है, लाजमी प्रिपेयर करना है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज के जो है वो दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा और 12वां, और कंसेप्चुअल के 1, 2, 3, 5, 7 और 11 ये क्वेश्चन जो है वो लाजमी प्रिपेयर करने हैं। सो वीडियो काफी लंबी हो रही है, सो इस वीडियो के लिए इतना, इसे नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।